Ahead of harsh winters in Jammu and Kashmir, we see mostly after 10th class board exams, students are rushing towards n number of coaching centers in Jammu and Kashmir. Track record dekhen to wo bachcho ko acche percentage to de rahe hain, but they are not helping the student to qualify these kind of exams. Jaise NEET ho gaya, GE. Teachers to hai lekin quality education nahi milti. Isliye mera manna. Assalamu alaikum nazreen, aap dekh rahe Prime Post, main hu aapka mezban Yasir Yusuf. नाजरीन, आए रोज़ हम जम्मू कश्मीर में कोचिंग सेंटर्स की मशरूम ग्रोथ देख रहे हैं और हर एक नए दिन एक न एक नए कोचिंग सेंटर की इनॉग्रेशन की जाती है। कुछ लोगों का ये मानना है कि कोचिंग सेंटर्स महज पैसा कमाने की एक फैक्ट्री है और साथ ही साथ कुछ लोगों की ये भी राय है कि इस कम्पिटेटिव वर्ल्ड में कोचिंग सेंटर्स की अशद ज़रूरत है। मजीद हम कुछ पेरेंट्स से और कुछ स्टूडेंट से बात करेंगे और उनके तासुरात जानने की कोशिश करेंगे कोचिंग सेंटर्स के हवाले से। मेरा नाम बरजुल इस्लाम है। आज के दौर में मतलब बहुत सारे क्रिटिसाइज कर रहे हैं कोचिंग सेंटर्स को, लेकिन अगर हम ये भी देखेंगे, अगर अब स्कूल एज़ कम्पेयर टू कोचिंग सेंटर हम स्कूल देखेंगे, लेकिन वहाँ पे क्वालिफाइड टीचर्स तो है लेकिन क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिलती। इसलिए मेरा मानना ये है कि कोचिंग सेंटर जो है यहाँ पर क्वालिटी एजुकेशन मिलती है, इसलिए टीचर ये स्टूडेंट्स और पेरेंट्स दोनों का मतलब भरोसा इस वक्त कोचिंग सेंटर्स पर है। एंड अगर मतलब इस वक्त कोचिंग सेंटर्स सारे बंद हो जाते, शायद ही कहीं भी क्वालिटी एजुकेशन नाम की कोई चीज़ पाएगी हमें। मतलब अगर हम अपने कश्मीर को देखेंगे, नीट तो दूर की बात, यहाँ पे तो छोटे छोटे एग्जाम से डर लगता था, लेकिन इन कोचिंग सेंटर्स की बदौलत से हम इस वक्त नीट की मतलब टॉप रैंक्स के बारे में सोच सकते हैं। मेरा नाम फिजा है। जो मतलब कोचिंग इंस्टीट्यूशंस में टीचर्स होते हैं, इनको पता होता है क्योंकि इनके बहुत सालों की एक्सपीरियंस होती है, इनको पता होता है कि बच्चे को किस लेवल तक ले जाना है और हम इनसे ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारी जो भी मतलब हम चाहे हम नीट के लिए प्रिपेयर करें, JEE के लिए प्रिपेयर करें, इनको पूरा गोल पता होता है कि बच्चे को कहाँ तक ले जाना है, इसको किस लेवल तक पढ़ाना है। तो यही हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमें सिलेक्शंस दें, हमारी सिलेक्शंस जो भी है वो हम कोचिंग इंस्टीट्यूशन से बहुत एक्सपेक्ट कर रहे हैं। एज़ पर मतलब हमारे स्कूल्स के अगर हम देखेंगे, वहाँ से उतना एक्सपोजर हमें नहीं मिल। मेरा नाम आफाक मुश्ताक है। कोचिंग सेंटर्स में आते हैं तो यहाँ पर जो टीचर्स हमारी लेवल देखकर उसी हिसाब से वो आगे चलता है, एक्सप्लेनेशन उसी हिसाब से करता है जिस तरह आगे बच्चों की लेवल हो। देखा जाए तो एक ब्रांड चूजने में कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। आपको देखना चाहिए कि वहाँ की फैकल्टी कैसी है, वहाँ पर कैसे सिस्टम उन्होंने बनाया है, वहाँ पर रेगुलर मॉक टेस्ट होते हैं, वीकली टेस्ट होते हैं वहाँ पर, और वहाँ की सिलेक्शंस क्या है। तो ये सब कुछ फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हम एक कोचिंग सेंटर को चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर कश्मीर में भी आप देख सकते हैं बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स ऐसे हैं जो कि अभी लीड कर रहे हैं, धीरे धीरे बढ़ रहे हैं आगे तरफ और बहुत सारी सिलेक्शंस भी दे रही हैं। तो देखा जाए तो सिलेक्शंस भी आ रही है और धीरे धीरे भी डेवलप हो रहा है यहाँ पर। देखिए, इसके ऊपर कई सारी फैक्ट हैं जो हमें देखना पड़ेगा। अगर इंडिया जैसे कंट्री में अगर हम देखें तो सिर्फ एग्ज़ाम को पास करना इज़ नॉट सफिशिएंट, क्योंकि आपको पता है इतने सारे रिसोर्स कितनी कमी है और बच्चों के अंदर इतना टैलेंट है। ठीक है, तो अगर अच्छे एग्ज़ाम अगर आप क्वालिफाई नहीं करते हो तो आपको ऑलरेडी क्या होता है, बहुत ज़्यादा फिल्टर हो सकते हो। कोचिंग इंडस्ट्री क्या है, कोचिंग इंडस्ट्री में कहना चाहिए कि कई सारे ऐसे टीचर्स होते हैं जिन्होंने ऑलरेडी उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर रखा है और उन्होंने ओवर द टाइम बहुत सारे बच्चों को टीच किया है, तो दे नो कि कैसे उन बच्चों को क्वालिफाई करवाना है। तो जो स्कूल के एग्ज़ाम होता है वो एक अलग लेवल का होता है, जैसे वहाँ पे थ्योरेटिकल चीज़ें पूछ लिया उन्होंने और बच्चा वो क्या कर सकता है, एक दो महीने में पढ़ के गया और अच्छे मार्क्स लेके आ सकता है। बट कोचिंग में आपको क्या है, लगभग एक साल दो साल बहुत मेहनत करना पड़ता है, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को भी समझना पड़ता है, क्योंकि आपको नहीं पता है कि एग्ज़ाम जो बनेगा वो कैसा क्वेश्चन पूछ सकता है। फिर मैं मान लेता हूँ कि कई बच्चे हैं, हमारे देश में क्या होता है कि सीट की कमी है, हर बच्चा हम नहीं एक्सेप्ट कर सकते क्वालिफाई कर लिए, लेकिन दो साल में जो उसने अपनी हैबिट में चेंज लाया है, जो उसने मेहनत की है, छः छः घंटे सात सात घंटे पहले कोचिंग में बैठना, फिर पाँच घंटे जाके घर में मेहनत करना, लगभग 12 घंटे 14 घंटे पढ़ने की मेहनत जो उसने अपने लाइफ में एब्जॉर्व कर ली दो सालों में, वो कहीं ना कहीं उसको कॉलेज में हेल्प करती है, या कि कॉलेज के बाहर जब वो किसी गवर्नमेंट की तैयारी कर रहा है, या कि कोई प्राइवेट सेक्टर में जब अच्छे जाता है तो तरक्की भी आप देखोगे तो ऐसे बच्चों की तरक्की क्या होता है, थोड़ा रैपिड होती है, क्योंकि उनकी हार्ड वर्क करने की क्या है ना कैपेसिटी बढ़ जिस तरीके से हमने कुछ पेरेंट्स से और कुछ स्टूडेंट्स से बात की, उनका साफ तौर पर यही कहना है कि कोचिंग सेंटर्स बच्चों की इल्मी लियाकत बढ़ाने में अहम रोल अदा करते हैं। अब कोचिंग सेंटर मालिकान को भी इन एक्सपेक्टेशंस की कदर कर लेनी चाहिए। जिस तरीके से हमने पहले ही कहा कि पेरेंट्स और स्टूडेंट्स को बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस रहती है कोचिंग सेंटर्स पर, अब कोचिंग सेंटर मालिकान को भी, ओनर्स को भी बच्चों और पेरेंट्स की इन एक्सपेक्टेशंस की कदर कर लेनी चाहिए और इन एक्सपेक्टेशंस पर खरा उतरना चाहिए। नाजरीन, फिलहाल के लिए इतना ही। फॉर नाउ आई एम साइनिंग ऑफ। टेक केयर। शेयर योर वैल्यूएबल कमेंट्स इन कमेंट सेक्शन। अल्लाह हाफिज़।